फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और दिल्ली पुलिस फिलहाल चर्चा में है जो कुछ रोहिणी कोर्ट में हुआ गैंगवार को लेकर हुआ, लेकिन कहानी सिर्फ वो नहीं है। उस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, और वैसे ये जो बिल्डिंग है ये भी उसी कहानी का एक नमूना है, पुलिस रिफॉर्म की कर रहा हूँ मैं बात। कैसे हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, बड़ी बड़ी बातें होती रही, लेकिन वस्तुतः जमीन पर कुछ नहीं हो पाया। तो अब क्या होने जा रहा है इस पर हम करेंगे बात, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि लचर पुलिसिंग से ना सिर्फ जनता परेशान होती है बल्कि जवान भी परेशान होते हैं पुलिस के, और जब वो थक जाते हैं तो पूरा सिस्टम भी थक जाता है और बुनियाद हिलने लगती है, जिसका खामियाजा पुलिस के साथ साथ समाज को भी उठाना पड़ता है। तो वो पुलिस रिफॉर्म कैसे तस्वीर बदलेंगे ये आगे हम पूरी कहानी में आपको बताएंगे। गैंगवार में एक गैंगस्टर मारा गया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो हमलावरों को मार गिराया। कोर्ट के भीतर गैंगवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन राज की बात यह है कि दिल्ली में पुलिसिया सिस्टम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। राज की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। राज की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी वर्किंग कंडीशन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज की बात यह है कि आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस वर्क कंडीशन के मामले में मुंबई पुलिस से काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुँचने वाली है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सब होगा कैसे और इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए पूरी राज की बात आपको विस्तार से समझाते हैं। दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ही पुलिस की छवि बदलने की कवायद भी तेज हो चुकी है, खास तौर से फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जिस तरीके से गैलेंट्री अवार्ड के लिए होड़ लगती है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए कुछ कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो मतलब साफ है, जो अभी तक आपने पूरी ये कहानी और तस्वीरें देखी, दिल्ली पुलिस बदलने जा रही है और शायद पूरे देश के सामने एक नजीर की तरह पेश होगी। मतलब गृह मंत्री अमित शाह की खींची लकीर पर चल के कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश अस्थाना एक नई दिल्ली पुलिस का चेहरा देश के सामने लाने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि इतने बड़े सिस्टम में बदलाव शुरू कहां से किया जाए, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तय किया कि सबसे पहले काम करने के माहौल में बदलाव हो, जिससे पुलिस पर प्रेशर को कम किया जा सके। प्रेशर कम होगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। लिहाजा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तय किया कि निचले स्तर पर पुलिस के वर्किंग आवर को 3 शिफ्ट में बांटा जाए, जबकि मौजूदा हालात ये हैं कि काम करने की कोई सीमा ही तय नहीं है। दिल्ली पुलिस में अगर 3 शिफ्ट का यह फार्मूला लागू होता है तो एक बड़ी राहत पुलिस कर्मियों को मिलेगी। दिल्ली की पुलिस देश की पहली पुलिस होगी जहाँ 3 शिफ्ट का सिस्टम होगा। अभी तक केवल मुंबई पुलिस है जहां 2 शिफ्टों की व्यवस्था लागू है। निचले स्तर पर 3 शिफ्टों में काम करने की व्यवस्था के तहत इंस्पेक्टर लेवल पर 2 शिफ्ट काम करने पर काम जारी है। जानकारी के मुताबिक अब थानों में SHO के साथ 6 इंस्पेक्टर्स की तैनाती होगी। ये इंस्पेक्टर्स 2 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी देंगे। शिफ्ट के साथ साथ काम के दबाव को कम करने के लिए इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी भी फिक्स होगी। शिफ्ट में तैनात इंस्पेक्टर्स में एक इन्वेस्टिगेशन देखेगा, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरे की रिजर्व ड्यूटी लगाई जाएगी। इस व्यवस्था से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के साथ ही साथ दबाव भी कम होगा। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वर्किंग स्टाइल आप सबको पता ही है। तो देश में तमाम रिफॉर्म्स करने के बाद अब उन्होंने दिल्ली पुलिस पर फोकस शिफ्ट किया है, तो लिहाजा दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश अस्थाना भी अब एक्शन में है। अब जब PCR थानों से संबद्ध हो गई है तब दोहरी फोर्स भेजने की जरूरत समाप्त हो गई और केवल इस फैसले से ही लगभग 5,500 फोर्स फ्री हो गई, जिससे बेहतर कानून व्यवस्था में लगाया जा सकता है। और ये फ्री फोर्स 3 और 2 शिफ्ट का फार्मूला लागू करने में भी मददगार साबित होगी।
दिल्ली के तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, ऐसे में पुलिस उनके सहयोग के लिए तो रहेगी, लेकिन नई व्यवस्था में पूरा फोकस कानून व्यवस्था मेंटेन करने पर ही किया जाएगा। मामलों की जांच और रिपोर्टिंग में तेजी के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें सबसे अहम फैसला है कि PCR को थानों से संबद्ध कर दिया गया है, क्योंकि होता यह था किसी घटना के होने पर पहले PCR की वैन पहुंचती थी और उसके बाद थाने के लोगों को पहुंचना ही होता था, तो इस तरीके से दुगना वर्कफोर्स लगता था एक काम में, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। यही वजह है कि पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश भी कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं कि निचले लेवल पर जो भी मदद पुलिस कर्मियों को मिलती है वो बिना लाग लपेट के उन्हें दी जाए, और अगर उन्हें किसी योजना का फायदा नहीं दिया जा रहा है तो फिर अधिकारियों को उसका कारण बताना होगा। इस पहल का सीधा मकसद है कि ग्राउंड पर काम करने वाली फोर्स की दक्षता अगर बढ़ानी है तो उनका वर्क प्रेशर भी कम करना होगा, और मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें ये महसूस भी कराना होगा कि विभाग और अधिकारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। त्वरित कार्रवाई और जांच में तेजी के लिए दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस के साहबों का धर्रा बदलना भी जरूरी था, रवैया बदलना भी जरूरी था, तो उसकी भी शुरुआत दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली से करा दी है, क्योंकि होता यह है अपराध रोकने के लिए जमीन पर जो तैनात फोर्स होती है वो साहबों की आगवानी में ही लगी रह जाती है, उनकी आवभगत में उसका पूरा समय जाया हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए सबसे बड़ा और अहम फैसला हुआ है कि अब हर दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी को अपने कार्यालय में ही बैठकर उस दिन की फाइलों का निस्तारण करना होगा और उसकी रिपोर्ट भी कमिश्नर ऑफिस को भेजनी होगी, वरना होता यह था कि संबंधित थाने के लोग एक दिन पुरानी हुई घटनाओं का पूरा ब्यौरा लेकर पहुंचते थे साहब के घर, तो उस साहबी पर अब पूरी तरीके से अस्थाना ने लगाम लगा दी। ABP News आपको रखे आगे।